कठिन है प्रीत निभाना, कठिन है प्रीत निभाना। कर ज्ञान दुख और सुख को सम कर जानना, दुख और सुख को जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना। अगर मैं ये सत्संग कराता हूँ, अगर मेरा मन साफ नहीं है, मैं कपटी हूँ, मैं कुल वर्द रखता हूँ, मैं सत्संग कराता हूँ, मैं तुमको जय देता हूँ। अगर मेरा हृदय साफ नहीं है, मैं पखंडी हूँ, मेरी अपनी जाती गरज है कोई सत्संग कराने के लिए, और मैं फिर जाके तुम लोगों को सत्संग कराता हूँ, तो मेरी जिंदगी का असर तुम पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो जितने भी ये गुरु महात्मा हैं, अगर ये खुद प्रैक्टिकल नहीं है, ये लोगों को सत्संग कराते हैं, ये लोगों के साथ खेलते हैं, लोगों को लोगों की जान को लेते हैं। समझो पृथ्वीनाथ, यू वांट टू बी अ ट्रू सेंट, बी अ ट्रू सेंट। तुम सोचो, जब मुझे यकीन हो गया कि लाभ नहीं है, तो जब मैं सत्संग कराता हूँ तो मुझे सोचना चाहिए कि मेरा मन कहाँ है। अगर मैं इस गलत के लिए सत्संग कराता हूँ, हाँ आप लोग आ जाओ, मुझे पैसे दे जाओ, मेरा मान बन जाए, मेरी इज्जत बन जाए, तो अगर मैं सत्संग कराता हूँ तो मैं मुजरिम हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम लोगों को धोखा देता हूँ, क्या काम है? ये है तू, मुझे आप लोगों से तकलीफ होती है। अगर मैं गंदा हूँ, मेरा मन साफ नहीं है, आम नॉट ट्रू, मेरी वजह से तुमको नुकसान पहुंचे, तब मैं तुम्हारा दुश्मन। ये जितने गुरु हैं, मैं कहना चाहता हूँ इनको, अः महात्माओं, अपनी नियत को साफ रख के, अपने आप को साधन करके, अपने आप को ठीक करके सत्संग कराया करो, वरना तुम्हारी वजह से जिंदगी लोगों की खराब हो जाएंगी। लाभ ये किन काम करता है, तो दो देर दो रोक कौन सकता है, कौन रोक करता है, बताओ मुझे। काश मुझे ये पहले पता होता, मुझे पहले पता नहीं, क्योंकि गुरु ने तो नहीं ले जाना, तुम भूले हुए हो, इस ख्याल में मत रहो, कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना, अपना ख्याल। तो मैंने आपको बहुत कुछ साफ कह दिया, दुआ करो अगले जाकर, अगर आज गुरु पूर्णिमा मेरे मेरी ना, मैं संसार से अब उपराम हो गया, तब तक जीऊँगा 95 साल की होगी, मगर पिछले कर्म जो किए हुए पूछना पड़ता है। तो आज सब क्या निकला था, पढ़ो मुझे पूछना, कब मिलेंगे था अपना, यही मैं कहें, और चूंकि कबीर ने वही कहा, इस बात से मैं खुश हूँ कि मेरी जिंदगी का जो अनुभव है ठीक है। कुछ नहीं करना, कुछ अभ्यास नहीं बनता, कुछ परवाह नहीं, अकेले बैठो, अपने हृदय से सच्चे दिल से उस परम तत्व के अपने आप को हवाले, अपनी जो गलतियां तुमने की उनको मान, अपने हाथ और अपनी गलतियों को जो तुम्हारा जहां मन साफ हुआ, कुदरत किया मत, अपने आप तुम्हारे पर आ जाए, बस यह है और कुछ नहीं। कल मैंने आपको वैकम की बात बताई थी ना,
कि जब इंसान सच्चा होकर पुकार करता है तो उसके मन के अंदर वैक्यूम हो जाता है। तो परसों मैंने आप उसकी रूप लाल की आवत कमला, उसने मुझे बात बताई, वो गई हुई थी अपने पहाड़ी को लेकर के। तो उसके जो मकान था उज्जैन से उन्होंने भेज काबू किया होते, देखे नहीं थे। तो वो बैठी हुई थी, कहती बाबा जी मुझे, मैं मेरे घर मुझे लता नहीं चल दिया, मैं लड़नी थी, मैं रोंदी थी, तुमने भी याद नहीं मैं कीता, तो मैं तुम्हें याद कीता। अभी मैं कहीं मेरा कौन है, कोई मेरा वारिस नहीं, अगर तुम आए पौड़ियाँ तो उतर के तुम क्या कह तो ब्रांडी है तुम्हें मिल जाएगी। फिर वो कहिए तुम आ गए, ना तो मेरा ध्यान करनी है, ना तो कोई सिमरन करनी है। इसने रूप लालू किया, उन्हें क्या तेरा दिमाग खराब होगा, पागल हो गया। सवेरे वो लड़के आए, वो कमरा खाली उनको चाबियाँ दे गई। अब वो मेरे पास आई, 5 रुपये दे गई, एक बिस्कुटों का डब्बा दे गई, फूलों का गुलदस्ता दे गई, एक मिस्सी का कूलर दे गई। अब मैं सोचता हूँ मैं तो गया नहीं, देखो दोस्तों मैं जब ये कहता हूँ कि मैं नामी धाम से आया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे दिमाग ही इस किस्म का बनाया गया है, मैं आया इस बात हूँ कि इस पखंडदार को साफ कर जाऊँ कि सच्चाई ये नहीं है, ये है। मेरे ग्रह ऐसे हैं, मेरे हाथ की लकीरें ऐसी हैं, मैंने सच्चाई बयान कर चला। तुम अब वो दुखी थी, अब क्यों उसके साथ हुआ, वो लड़की पति बेटा है, 14 साल उसने, 15 साल उसने अपने खानों की सेवा, कौन और का सेवा करती है। जहाँ रही उसके करैक्टर में कोई नुक्स मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो पवित्र थी। ये काम उनके होते हैं जिनके मन शुद्ध होते हैं, तो ये भी बता देता हूँ आपको। ये जो किस्में आते हैं ना, जिनके मन शुद्ध होते हैं उनको आते हैं। इस वास्ते मन की पवित्रता ही बहुत लाजमी है। ये है बात, आगे है कोई क्या लगन है लागे तो बाधर को जाए, घर मेले हो सने आए। तो इतना ही काफी है, मैंने आपको बता दिया। जो कुछ मेरा असूल था वो ही चूंकि कबीर ने कह दिया। मैं बचपन से तय, मैं अगर दोस्तों पर्दा रखता आज मैं लाखों करोड़ रुपए का मालिक होता। जिससे मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, काम करता है, मैं अगर पर्दा रखता आज मैं जितनी चाहे मर्जी दौड़ में सिर्फ चमच उड़ते होते। मैंने ये काम नहीं किया ना? तो आप लोग आ गए, अब जिन आपने आज चले जाना, मैं भी अमेरिका जा रहा हूँ, कभी नहीं जिंदा रहा तो आऊँगा, ना हुआ तो क्या पता है, नहीं चलता अब जा जाऊंगा। सब पूरा मेरे ख्याल में मैंने अपनी तरफ से, आप गुरु पूर्ण में है, आप लोगों ने मेरी सेवा की, मैं क्या सेवा करूं। एक आदमी आया हुआ है, अब मैं इस आदमी को जिसके अंदर कानपुर में 3 साल पहले पैदा हुआ, या ऐसी क्या मैं अपने आत्मा से पूछने के लिए तैयार नहीं हूं कि जब तू नहीं गया तो अगर तू ये सच्ची बात इसको नहीं बताता, इसको अपने जान में बताता है, इससे पैसे लेता है, इससे मथा दिखाता है, क्या मैं मुजरिम नहीं हूं कि जितने महात्मा गुजरे हैं, मैं हौसले से कहता हूं कि इन्होंने अपनी जिंदगी के साथ खेल खेला। तुम लोगों को जरूर जरा सा दे गए, अब ज्ञान में रख करके तुम लोगों को हौसला दे गए, मगर अपनी जान को बर्बाद कर गए। कोई महात्मा कोई गुरु किसी का नहीं। अगर कोई चीज जाती है तो मैंने वो कहा कि रेडिएशन में वेव्स होती हैं, वो मौजूद रहती है। आजकल की साइंस ने जर्मन के हाल में जहां सैनिक था, जो 100 साल पहले लेक्चर दिए हुए थे, उनको उन्होंने रिकॉर्ड किया
तो जो कुछ भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, ये सब इस ब्रह्मांड में रहता है। तो जहां किसी को जिस चीज की जरूरत होती है, वो ख्यालात जो ब्रह्मांड में है वो उसके अंदर जाते हैं। ये मेरा प्रयोग है। कई आदमी कहते हैं रूहों को बुलाते हैं, कई कहते हैं रूहों को बुलाते हैं इंग्लैंड में। मैंने जो रूह आएगी वो जो आगे होने वाला उसकी बाबत नहीं बता सकती। वो चूंकि यक्षु हो जाते हैं, वो मरने वाले के जो ख्यालात हैं वो ब्रह्मांड में रहते हैं, वो ख्यालात आकर के बोलते हैं, मगर वो उसके मुस्तकबिल जो आगे का हाल है वो नहीं बता सकते। ये है सबूत। अफसोस मुझे लफ्ज नहीं मिल रहे। मैं जो कुछ आपको कहना चाहता हूँ उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अच्छे लफ्ज मिले। आप समझ गए मेरी बात क्यों नहीं। मरा हुआ कोई नहीं रहता यहाँ, न राम न दाता दयाल न बाबा गुरु नानक। उनके ख्यालात मौजूद हैं, उनके विचार मौजूद हैं, उनके भाव मौजूद हैं। आप समझ गए मेरी बात क्यों है। तो जब इंसान कोई अपने अंदर कोशिश करता है तो वो जो ब्रह्मांड के अंदर वो उसके अंदर आ जाते हैं। गंदे आदमी होता है उसके अंदर जो गंदे ख्यालात होते हैं वो आ जाते हैं। जिसने रेडियो पर देखो ना, यहाँ हर जगह रेडियो वेव चल रही है। हमको नजर नहीं आती, मगर अभी रेडियो लगा दो, जंदर सुन लो, दिल्ली सुन लो, है कि मगर हमको नहीं। ऐसे ही हमारे ख्याल, हमारे विचार इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद रहते हैं। इंसान जो बुरा सोचता है वो कहता है मैं किसी का, अरे मेरी समझ में आया इंसान तुझे हर वक्त गंदा खाया बुरा खाया, तू दुनिया के लिए जहर फैला रहा है, तेरे ख्याल आसमान सिर में रहेंगे और दूसरे लोग हमला करेंगे। क्या कहा मैंने, सिर्फ मुझे लक्ष्य देना नहीं आता, मगर मैं अपने पास को इसलिए वेदना शिव संकल्प मस्तु। हम पढ़ने बैठ के दूसरे की बुराई सोचते रहते हैं। आप सोचे इसका कोई फायदा नहीं। वो जो तुम्हारे सोच है, विचार है, तुम्हारे वेद हैं, वो तुम्हारे अंदर से निकलते हैं, उस आत्मा के में रहते हैं, उनका असर दूसरों पर पड़ता है। ये जो आप साइंस ने साबित किया ना, हमारे ऋषि क्या करते थे, औरतें किसी से होती थी, वो सिवाय अपने पति के बिस्तरे से दूसरे किसी के बिस्तरे पर नहीं सोती थी। औरतों को मालूम होगा क्यों, कि जो जिस अवस्था में रहता है उसके असरात उसके कपड़े में जाते हैं, जो जैसा है उसके असरात उसके कपड़े में जाते हैं। तो जो आदमी उस कपड़े को इस्तेमाल करेगा उसके जज्बात उसके अंदर जाएंगे। सोचो मेरी बात। हमारे यहाँ पगवट राह बांधे कर्म बंध, एक पगड़ी अपनी ऊन देगा और पगड़ी ऊन देगा ताकि उसके ख्याल उसमें चले जाए, उसके ख्याल उसमें चले जाए। यह है साइंस। तो आप लोग सत्संग में आए हैं, मेरे बुढ़ापे की उम्र पर रहम करो, बात को समझो और अपना जन्म बनाओ। अरे पैसे देने से, आरतियां करने से या ये करने से अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, यह नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये दुनिया का व्यवहार है, लेना देना पड़ता है, ना कोई देता है ना कोई लेता है। पिछले पिछले जन्म के जिसने किसी से लेना है उसने लेना है, जिसने देना है उसने देना है। तो मैं काम क्यों करता हूँ, मैं सोचता हूँ अरे ये जन्म तुमने क्या मकड़ी का, मैंने मकड़ी का डाला नहीं बनाया। मैं आया ही इसी वास्ती हूँ इस संसार में, पीर के चोले में, कि संत मत या हकीकत या असलियत को बिल्कुल खोल करके बता जाऊं, ताकि इंसानी नस्ल जो बचना चाहती है वो इस असूल को समझ कर बचे। नहीं बचना चाहते तो मैं क्या करूं, कोई क्या करे। यह है मेरे काम करने का असली मकसद और असली असली खेल। तो मुझे यकीन हो गया इस बात से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता तो मैं क्या करता हूं। मन को छोड़ जाता,
मगर जब आप लोग नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूं कि इस वक्त मैं ये समझता हूं कि ये सत्संगी मेरे सच्चे दुश्मन है। आपकी रेडिएशन मुझको ऐसे करती है, दो बराबर है चार के, सिर्फ एक सूरत मैंने उस बचाव की देखी कि मैं अपनी जाति गर्व के लिए आपसे प्रेम नहीं करता, आपसे क्या लड़के से प्रेम नहीं अब करता, बहू से प्रेम नहीं कर, बीवी तो मर गई अब उनसे भी प्रेम नहीं करता, पोते पोतियों को भी मैं छोड़ गया। इस वैन में आकर कि लव रेडिएशन काम करता, मगर इस रेडिएशन को बच नहीं सकता। और इस वजह से संत कहते हैं कल आ इंसान, ये दुनिया जिसमें तू रहता है ये ऐसी ही है, इससे अगर बचना चाहता है तो तू मन से ऊपर चला जा। लाख इंसान कोशिश करे इस रेडिएशन के झूल से तुम बच के जाओगे कहां, दुनिया में रहते हैं तो संतों का मार्ग जो है वो सिर्फ जीवों के इस ख्याल से कि वो इस जन्म मरण से बचें, और जन्म मरण से बचने का एक तरीका मैं खुद सोचता क्या करूं जी जन्म मरण, मेरे तजर्बे में साइंस ने साबित किया, मैं कहा करता हूं कि डॉक्टरों ने मरने वाले को सेंसिटिव स्केल पर रखा, मरने वाले का जिसम घट गया कोई 5 ग्राम को 10 ग्राम को 5 ग्राम, बात भी नहीं बच सकता, क्योंकि फकीर जन को वो जिसम समझता है, उसका प्रेम जिसम के साथ है। आप समझे क्या मैं कह रहा हूं, आजकल ये गुरुमत पाखंड जिसम है, नाम ले जाओ ये अंत में गुरु तुमको साथ रोक ले जाएगा, अरे अंत समय जो गुरु देवधारी तुम्हारे सामने आएगा वो तुम्हें सतलोक नहीं ले जा सकता। हाँ अच्छी योनि मिलेगी, अच्छे ख्याल मिलेंगे, अच्छे विचार मिलेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि इस वक्त गुरु मत में बहुत सा धोखा है, प्रेम है, मेरे जिम्मे ड्यूटी थी, मैंने सच्चाई का ठोकना पड़ा, तो मुझे यकीन हो गया कि वो अजायब पुरुष कहाँ रहता है, वो मन के परे रहता है, वो मन के परे रहता है। क्योंकि ये बात मुझको तजर्बा मुझको आप सत्संगों से हुआ, इस वास्ते आज मुझे गुरु मानने वाले प्यार हो, मेरे शरीर को कुछ परे मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आप लोगों के चरण कमरों में अपना चरण वहां से आपको गुरु विष्णु के नमस्कार करता हूं। क्यों कि आप लोगों की वजह से मुझे ये ज्ञान हुआ जिसकी के लिए मैंने सारी जिंदगी तड़प तड़प के मर गया, हजार हार रुपया मैंने आरती करे हुकुम था गुरु की सेवा करो आरती करो, मैं भी करता था, बड़ा साल जो कमाया सब वहां भेजा, वो भी महल नहीं होता था, दादा दाय ने ये काम दिया था, कहा था फकीर चंद तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगों के रूप में मिलेगा, और आप लोगों के चेहरे में मेरी आंख खोल, मैं इस काम से सुखी नहीं हूं, आप बिल्कुल सच्ची बात कहता, मगर करण प्रधान विषय कर राखा जो दस की, क्योंकि मैंने प्रण किया था अपना अनुभव किया जाऊंगा, दादा दाय को मैंने अपने विश्वास से अपना मार्ग माना, अब मेरे दिल पर उनके हुक्म की जिम्मेवारी आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा था वकील थोड़ा थोड़े से पहले तारीख बदल जाना, इसलिए मैं मजबूर। अब आप लोग आते हैं, मैं जानता हूं जहां मैं बोलता हूं वहां आप नहीं जा सकते, ये वहां जाना भी अपने बस में नहीं है, जन्म जन्मांतरों के किस्से होते हैं, कोई भाग वाला होगा, बाबा सामने से कहा करते थे बड़े भाग हो तो सत्संग मिलता है, बड़े भाग हो तो सत्संग की बात समझ में आती है, बड़ा भाग हो तो अमल करता है। आप गृहस्थियों के लिए मैंने इंसान बनने की आवाज उठाई, जो काम करो विवेक से करो,
गुरु पशु, क्रिया पशु, वेद पशु, नर पशु, संसार मानस चाहे जानिए जामे विवेक विचार सोच समझ के चाहते हो क्या कहना चाहता हूं। संतान को संतान के ख्याल से पैदा करो। आजकल हम लोग खुद राव संतान पैदा करते हैं और फिर ये आप ये उम्मीद करें कि वो आपके बच्चे जो खुद राव हुए हुए हैं ये जगत में रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, कैसे हो सकता है। बस एक आदमी मेरे पास होता हुआ आया, लड़के को बड़ा पाला पढ़ाया, शादी कर ली, अब वो घर में लड़ाई करता था, अब अरा हो गया। मैं पूछता हूँ उस आदमी से, क्या तुमने बच्चे को बच्चे के लिए पैदा किया था? अपने स्वास्थ्य के लिए आपके पास हम जाते हैं, बच्चे पेट में आ जाते हैं, फिर ये हमारे करते हैं कि वो बच्चे हमारे ताबेदारी करेंगे, हमारे ये करेंगे, ये तुम्हें इस बात एक विवेक तुम्हें ये देना चाहता। दूसरा विवेक ये है कि तुम्हारे ख्याल में बड़ी भारी ताकत है, उसका सबूत मैं तुमको देता हूं। मैं गीता नहीं तुमको पढ़ाता, रामायण नहीं पढ़ाता, अंजीर नहीं पढ़ाता, असूल की बात बताता। रात को तुम सो जाते हो, तुमको गुस्सा आता किसी को मुक्का मार दो तुम्हारा हाथ हिल जाता है। रात को सुखने में कोई ड्रामी शिकर डर जाते हो तुम्हारी जुबान बबराती है। रात को सुखने में ख्याली आठ बना लेते हो तुम्हारा बीज निकल जाता है। तो सुखने का ख्याल तुम्हारे पास में नहीं है। जब सुखने का जो ख्याल बसने वो तुम्हारे जिस्म पर असर करता है तो जागते हुए हम किसी से नफरत है, किसी से द्वेष है, किसी से झगड़ा है, किसी बढ़ना हम प्लान करते रहते हैं, किसी का बढ़ना कुछ किसी के साथ पे, उसका असर तुम्हारे जिस्म पर क्यों ना होगा? ये लॉजिक है। इसमें ना कोई हिंदू का सवाल है, ना मुसलमान का सवाल है, ना ईसा का सवाल है, ये इंसानियत का सवाल है। इस वास्ते इंसान कौन है जो विवेक से गुरु पशु, चिड़िया पशु, वेद पशु, नर पशु, संसार मानुष का जानिए जामे विवेक विचार। तो विवेक विचार जो मैंने समझा अपने कर्म भोग बस कहता है। बाता पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया है, आपने कहा था तालीम बदल जाना, जो कुछ मेरी समझ में आया मैं बकता रहता हूं, अच्छा है तो ये बुरा है तो मुझे पता है। मैंने आपको सबूत दे दिया लॉजिकली बिल्कुल असूल के मुताबिक। तो एक विवेक के लिए है, जब तुम्हारे ख्याल में ताकत है तो कर्म में रहते हो, एक दूसरे को बुरा मत चाहो। यहाँ आकर के हजर का बाप के बरखिलाफ है, अवन के बरखिलाफ है, भाई भाई के बरखिलाफ है, मुल्क में क्या हुआ, एक पार्टी के बरखिलाफ। तुम ये उम्मीद करते हो कि ऐसी हालत में तुम्हारा मुल्क सुखी रहेगा, आप भूल जाओ। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है। ये जो हमारे ख्यालात हैं इसका नतीजा मैं नहीं कहता क्या हो, मगर इसका असर हमारे जिस्म पर जरूर पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो मर्जी चाहे पार्टी आ जाए वो हमको मुसीबत से नहीं बचा सकती, क्योंकि ये कुदरत का खेल है, इस वक्त नफरत का खेल है। पोलिटिकल पार्टियां क्या कुछ नफरत नहीं करती, हम घरों में क्या कुछ नहीं करते, वो झगड़े होते हैं और कोल्ड वार रखते हैं। तो फिर ये उम्मीद करो कि तुम सुखी रहोगे, ये गलत। मेरे लिए मैं ड्यूटी थी मैंने कह दी एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं नौजवान बच्चों को, मेरे पास जितने नौजवान बच्चे आते हैं या लड़के बचपन से मैच्योरिटी से पहले अपने ब्रह्मचर्य को खो देते हैं, कोई हाथ रसी करता है, लड़कियां चपकी खेलती हैं, गंदे ख्याल रखते हैं, तो इनके अंदर जिस्म के अंदर दिमाग की खराबी होना, बीमारी होनी, ये होना वो होना, ये अमले लाजमी है।
इसलिए मैंने तालीम को बदल, अच्छी आवाज पैदा करो, घर में शांति रखो, अपने मानसिक का श्री ब्रह्मचर्य के काम में कम से कम जब तक तुम मैच्योरिटी को हासिल नहीं करते, अच्छी औलाद पैदा करो, एक बात। तीसरी बात यह है कि इंसान का मन कमजोर है, इसको इसकी कुवत इरादे को बढ़ाने के लिए सिमरन ध्यान किया। मैं नहीं कहता तुम राधा स्वामी मत के हिसाब से सिमरन करो, मैं नहीं कहता तुम सिख मत के हिसाब से, तुम मन को इकट्ठा करने की कोशिश किया करो, यहाँ जहां मैंने हाथ लगाया, राम राम के जाप से करो, अल्लाह के जाप से करो, वाहगुरु के जाप से करो, एक दो तीन चार पाँच छह दस से जाप से करो, मतलब तो तुम्हारे मन की एकाग्रता की जरूरत है, जिसका मन एकाग्र होता है उसकी विल पावर अच्छी हो जाती है, उसके काम हो जाते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में ड्यूटी की तालीम बदल जाना, मैं किसी मदद का पैरावकार नहीं, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं राधा स्वामिया हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ, मैं मनुख आपकी तरह एक आदमी, जैसे आप हैं वैसे मैं, बंदिशें टूट गई, दादा ने बड़ी रैंक किया, सब खत्म हो गए, तो इंसानियत के असूल मैंने आपको बता दिए, क्योंकि मन महासंचय है, ठहरता नहीं, इसको काबू करना आसान नहीं, इसलिए इसका आवाज जो है कि सत्संग अच्छा रहे, एक दूसरे सिमरन किया करो, मैं नहीं कहता तुम पांच नाम का सिमरन करो, राधा स्वामी नाम, मुझसे भी वो पूछे मैं तो राधा स्वामी नाम बताऊंगा, क्योंकि मैं तो गुरु की पढ़ाई, मगर मैंने चेहरे किसी को नहीं बनाए, आपकी मैं जरूर आठ घंटा 20 मिनट 25 मिनट ध्यान किया करो, यहाँ हर रोज सुबह शाम आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तीसरे हमारे हक को हजार की कमाई होनी चाहिए, हम हेरा फेरी करते हैं, 420 करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, तो जैसी हमारी कमाई आवाज़ हम पर असर पड़ता है। तो ये पांच चार बातें हैं जो मैंने आपको बात कह, कल शाम को सत्संग हुआ था प्रेम का, आज शाम को मेरा ज़्यादा बोलना नहीं जाता, उसका हो जाएगा टेप निकाल मेरे पड़े हुए मन के मुताबिक, बहुत कुछ आपको बातचीत हो सकती है। तो अब क्या वक्त हो गया, किसी में शुरू किया था, तो एक घंटा काफी है, मुझसे अब ज्यादा बोला नहीं जाता, आप लोग आए हैं बाबा, आपकी गर्म मिल गया था, पकड़ को आपने यहाँ लगाया, फिर खिलाया, मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो संस्कार आपने दिया मैं कर चला, अच्छा कर चला बुरा कर चला मुझे पता नहीं, जिंदगी अख्ताम पर है हमारे अपनी कर्म कमरों में बाधा दे दी, संसार भूल जाऊं, दुनिया भूल जाऊं, आपका ऐसा आपने दाता के रूप में ये हुक्म दिया बजाया है, क्षमा चाहता है सबको राजा चाहिए। शरण शरण की वंदना नित को रूप ध्यान
हर कमल धर लिया चरण लगा पतते पापी तर गया गुरु शरण तेरिया मुक्ति के नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी ला राधा स्वामी की दया से भाग्यपूर मुक्ति के नहीं चाह मन में भक्ति प्यारे ला राधा स्वामी की दया से भाग्यपूर चरण शरण